अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रिप्टेरियम। क्रिप्टेरियम एक ऑनलाइन क्रिप्टो बैंक है जो एक नॉर्मल बैंक की तरह ही काम करेगा, लेकिन उसे हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन के जरिए यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड में, एप्पल में, हर मोबाइल में उसकी ऐप अवेलेबल होगी जिससे हम उस बैंक को यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, वो 100% मोबाइल पर यूज़ हो सकेगा और वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा हर किसी के यूज़ के लिए। इस बैंक के अंदर हम एक ही प्लेस, जैसे हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं वहाँ पर हम अपनी सिर्फ पर्सनल जो मुल्क की करेंसी होती है वो रख सकते हैं। जैसे यूएसए में यूएसडी है, यूरोप में यूरो है, इस तरह एक करेंसी रख सकते हैं हम अपने बैंक में। अगर हमें किसी और करेंसी रखनी हो तो हमें इंटरनेशनल बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन ये इन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया है। इसमें यूनिकनेस ये है कि हम एक ही बैंक के अंदर हर करेंसी रख सकते हैं, हम अपनी फिएट मनी भी उसके अंदर रख सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी हम उसी के अंदर रख सकते हैं। और उससे हम 42 मिलियन ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं दुनिया भर के, वहाँ परचेजिंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हम इसके अलावा अपनी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और हम दुनिया भर में कहीं भी उस बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसा कि हम अपने मुल्क में अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे मुल्क में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बैंक से, हमें पहले बैंक जाना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम दुनिया भर में कहीं भी घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके और क्या फीचर्स हैं। लीडिंग क्रिप्टो बैंक फॉर क्रिप्टो इकोनॉमी, ये जो मोबाइल बैंक है ये हमें इंस्टेंट पेमेंट की सहूलत फराहम करेगा क्रिप्टो करेंसी और दूसरे टोकन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम अपना वर्चुअल कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं जिससे हम काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शंस हैं और दूसरी पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो तकरीबन मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, इन्होंने ये डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है सारी चीज़ें, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, क्रिप्टेरियम इज़ अ मोबाइल बैंक, मोबाइल क्रिप्टो बैंक फॉर एवरीवन। ये मोबाइल क्रिप्टो बैंक है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है पूरी दुनिया में। 42 मिलियन ऑनलाइन शॉप्स अराउंड द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करेंगी। हमें नो नीड टू करेंसी एक्सचेंज एट ऑल, हमें करेंसी को, हम जैसे इसके अंदर अपनी पर्सनल जो करेंसी है वो रखते हैं, जैसे कि अगर हम USD रखते हैं इसके अंदर, या हम बिटकॉइन रखते हैं या इथेरियम कॉइन रखते हैं, तो हम वो उसी के अंदर रहने दें और कहीं भी हम परचेजिंग करें, हमें उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे फेट मनी के हिसाब से उसको डिटेक्ट कर देगा। हम इससे कहीं भी परचेज कर सकते हैं और हम इसका डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं जिससे हम काफ़ी जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, मॉल्स में, पेट्रोल पंप पे, ATM में, उस कार्ड को बआसानी यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंटरग्रेट होगी विद थर्ड पार्टी पेमेंट वॉलेट और सर्विसेज लाइक पेपाल, गिफ्ट, वीचैट, अलीपे, पेटीएम, ये सब के साथ इंटीग्रेट भी होगी। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। ओके, इंस्टेंट लोन एंड मल्टी करेंसी क्रेडिट लाइन, जैसे बैंक हमें लोन देता है वैसे ये भी अपने कस्टमर्स को लोन देगी। ठीक है, ये इससे भी ज़बरदस्त फीचर है। अच्छा, अब मेन चीज़, सबसे मेन, 24 आवर कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल, वो भी मल्टी लैंग्वेज में, मीन्स हर लैंग्वेज की कस्टमर सपोर्ट इनके पास अवेलेबल होगी 24 आवर, ताकि किसी को अगर कोई भी मसला है तो वो कस्टमर सपोर्ट से रابطہ करके अपना मसला हल करवा सकेगा बआसानी, विद इन मिनट्स, क्योंकि वो 24 आवर बैठे होंगे, तो हम कांटेक्ट करते ही अपना मसला, अगर छोटा मोटा मसला होगा वो फौरन हल हो जाएगा, अगर कोई ऐसा मसला होता है जिसके लिए उनको आगे रابطہ करना पड़ेगा तो वो भी विद इन 24 आवर सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये मर्चेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, अपॉर्चुनिटी टू रिसीव पेमेंट इन फिएट और क्रिप्टो करेंसी। मीन्स अगर कोई मर्चेंट है जो अपना ऑनलाइन स्टोर वगैरह चला रहा है तो वो भी इनका जो सिस्टम है वो अपनी वेबसाइट पर लगा सकता है। अगर कोई वहाँ से पेमेंट करेगा तो डायरेक्ट इनके क्रिप्टो बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे और वो उनको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेगा। तो मर्चेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी ये लोग सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ओपन API सिस्टम भी है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म डेट अलाउज टू डेवलप सॉल्यूशन फॉर डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। जैसा कि आप ये पढ़ सकते हैं या इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। टेक्नोलॉजी फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये अपने कस्टमर्स को लोन की सहूलत भी प्रोवाइड करेंगे, जिसको उन्होंने वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रेडिट किस तरह देंगे। उस क्रेडिट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम, 100% गारंटी होगी, ठीक है, और रीपर्चेस के क्या उनके तरीक़ेकार होगा और हम वापसी उनको किस तरह देंगे और उनके क्या उसके ऊपर सारा सिस्टम होगा, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि ICO की टाइमलाइन है कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 24 अक्टूबर को, इसके अलावा 31 अक्टूबर को फिर ये सारी प्री सेल लगी, फिर बोनस सेल हुई, अभी फ़िलहाल इनकी ICO सेल चल रही है जो तकरीबन 11-12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी ICO सेल में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसी वजह से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छा इससे प्रॉफिट बना सकेंगे। आप जैसा कि आगे देख सकते हैं कि 14 से 17 जनवरी में जो टोकन सेल हुए होंगे ICO के अंदर वो सारे अलोकेट हो जाएंगे, जिन जिन लोगों ने परचेज किए होंगे उनको बकाया जो भी टोकन बचेंगे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। मीन्स जैसे अगर इन्होंने अपने ICO सेल में $42 मिलियन के टोकन जो हैं वो सेल पे लगाए हैं, बिल फर्ज अगर $40 मिलियन के टोकन सेल होते हैं तो जो $2 मिलियन के रिमेनिंग टोकन हैं वो इनको बर्न कर देंगे और वो आगे यूज नहीं हो सकेंगे, वो इसको सिस्टम से निकाल ही देंगे, फिर $40 मिलियन के टोकन ही रहेंगे मार्केट के अंदर। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो टोकन ये लोग रहने देते तो बाद में उससे मार्केट मैनिपुलेट होती, तो वो लोग उसको सिस्टम से ही निकाल देंगे ताकि ऐसा कोई चक्कर ही ना रहे। और फरवरी और मार्च में ये जो क्रिप्टेरियम है ये अपना कॉइन जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे और ना फिर हम उसके कॉइन की उससे ट्रेडिंग कर सकेंगे उन एक्सचेंज पे अगर हम चाहें तो। इसके अलावा ये इनका रोड मैप है जो इन्होंने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है हर चीज़ के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये क्या क्या अपनी अपनी डेवलपमेंट्स करेंगे 2018 के अंदर। फिर ये इनका टोकन का स्ट्रक्चर है, 70% डिस्ट्रीब्यूटेड टू कम्युनिटी, इन्होंने 15% रिजर्व रखे हैं, 9% इन्होंने फाउंडर्स के लिए रखे हैं, 3% इन्होंने एडवाइजर्स के लिए रखे हैं और 3% इन्होंने बाउंटी के लिए रखे हैं। एक टोकन जो है वो 0.0001 BTC का है जो तकरीबन इस वक्त के रेट से $1.25 से $1.5 के बीच में बनता है, ठीक है, और ये इन्होंने ICO की डिटेल ही दी हुई है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, और तकरीबन 10-12 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी टीम है, ये काफ़ी ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं सारे और काफ़ी इनको ज़्यादा अरसे का तजुर्बा है और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे लाजमी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनका फेसबुक का पेज है, ट्विटर का है, लिंक्डइन का है, इनकी वेबसाइट है, इनका टेलीग्राम का चैनल है, इसके अलावा इनका ये मीडियम का चैनल है, ये इनका वाइट पेपर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको ये वाला लिंक जो है जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ये लिंक मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, वाइट पेपर का लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप मज़ीद मालूमात वहाँ से हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अपनी वीडियो में, अगर कुछ रह गया है तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप उससे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।